नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवी। हर साल 26 जनवरी के बाद सर्दी का कहर कम हो जाता है, लेकिन इस साल ऐसी संभावना कम ही दिख रही है। यानी कि अभी कुछ और दिन आम लोगों को ठंड की ठिठुरन और कोहरे से दो चार होना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसकी वजह से वाहन की रफ्तार धीमी नजर आई। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से अब आम लोग भी परेशान हो गए हैं। खासकर काम पर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में अभी भी कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी बर्फीली हवाओं का दौर अभी अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसकी वजह से पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR और UP MP तक ठंड का असर दिखेगा। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में पिछले दिनों के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली की आबो हवा में प्रदूषण बरकरार है। सफर के मुताबिक दिल्ली में AQI आज सुबह 339 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। यहां चिलाई कला 31 जनवरी को खत्म होगी। इस हाड़ कपाने वाली ठंड की अवधि 40 दिनों की होती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के न्यूनतम तापमान में मंगलवार को सुधार देखने को मिला, जिसके बाद आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी एक तरफा वाहनों के लिए खोल दिया गया था, जो बर्फबारी की वजह से बंद था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।